लोक कल्याण मानवहित सामाजिक संस्थेतर्फे भव्य मोफत मधुमेह तपासणी व उपचार मार्गदर्शन शिबिर संपन्न। पालघर जिल्ह्यातील गरीब व गरजूंसाठी सामाजिक शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्रात सतत कार्यरत असलेली लोककल्याण मानवहित सामाजिक संस्था महाराष्ट्र मार्फत 29 जानेवारी रोजी डहाणू तालुक्यातील आशागड येथे सकाळी 9 ते 2 वाजेपर्यंत नागरिकांसाठी भव्य मोफत मधुमेह तपासणी व उपचार शिबिर आयोजित करण्यात आले होते। या शिबिराचा 90 जणांनी लाभ घेतला असून यामध्ये रक्त तपासणी, रक्तातील साखरेची तपासणी, 3 महिन्याची साखरेची बेरीज, रक्ताची चरबी, थायरॉईड चाचणी, पायामध्ये येणारी माहेरी चमक, फुफ्फुसाची तपासणी व कार्डिओग्राम यांसारख्या तपासण्या करून मधुमेह होण्याची कारणे, लक्षणे, मधुमेह झालेल्या रुग्णाने कोणती काळजी घेणे, व्यायाम व पथ्य पाळण्याबाबत अचूक मार्गदर्शन डहाणूतील प्रसिद्ध डॉक्टर प्रदीप बी मोदी यांनी केले। या शिबिराचे आयोजन संस्थेचे संस्थापक व अध्यक्ष देव पोरे, डहाणू तालुका अध्यक्ष जितेंद्र महायवंशी, सभासद किरण अंधेर, मधुकर गोवारी, सौरभ हिलीम, मुबारक खान, सुदर्शन चव्हाण यांचे असून आरोग्य तपासणी व मार्गदर्शन डॉक्टर प्रदीप मोदी व सहकारी यांनी केले। सदर शिबिराला जयेश जानी, खिमा भरवाड व उमेश भरवाड यांनी प्रमुख उपस्थित होते। एबी न्यूज मराठीसाठी कोकण प्रमुख जितेंद्र टोके। हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में देखेंगे तो 10 में से 3 आदमी को डायबिटीज है हिंदुस्तान में, और आगे चल के 10 में से 5 आदमी को डायबिटीज होने वाला है 10 साल के अंदर। ये बीमारी क्या है, जब तक आदमी टेस्ट नहीं करवाता है, चेकअप नहीं करवाता है, तब तक पता नहीं चलता। आज भी देखेंगे तो कम से कम 5-6 नए पेशेंट ऐसे निकले कि जिनको पता ही नहीं था कि उनको डायबिटीज है। इस तरह से रेगुलर चेकअप होना बहुत जरूरी है। ये बीमारी क्या है, बढ़ती जाती है और आगे चल के शरीर में नुकसान करती है। अगर डायबिटीज आपका काबू में नहीं हो तो आपको दिमाग में असर हो सकता है, लकवा मारता है, आंखों में असर हुआ तो धुंधला दिखता है, हार्ट पे असर हुआ तो हार्ट अटैक आता है, किडनी पे असर हुआ तो किडनी फेल हो जाना चालू हो जाता है, और पाँव के नस में असर हुआ तो पाँव में झुंझुनी आती है, झुंझुनी आती है, पाँव बधिर हो जाता है, उसकी वजह से काटा लगा मालूम नहीं पड़ता है, बारीक बारीक जख्म होते हैं, वो जख्म बढ़ जाते हैं तो अल्सर होता है, अल्सर से गैंग्रीन होता है, पाँव काटना पड़ता है। ये सीख ना हो उसके लिए डायबिटीज़ को काबू में रखना, रेगुलर चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। अब ये डायबिटीज़ नाम की बीमारी जो है उसका मेन कारण क्या है कि हमारी बदली हुई जीवन शैली। पहले हम लोग क्या है कि पूरा फैमिली साथ में रहता था, शाम को जल्दी खाना खा लेते थे, दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते थे, उसकी जगह प्याज आ गया, ये वड़ा पाव आ गया, ये पिज्ज़ा आ गया, बर्गर आ गया, ये सब खाते हैं। पहले हम लोग 9 बजे 10 बजे रात को सो जाते थे, अभी रात को 12 बजे तक कोई सोता नहीं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठता है, तो क्या है कि हमारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, खाना पीना चेंज हो गया, कसरत नहीं करते हैं, इसी की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। इसके लिए सब लोगों को, पूरी सोसाइटी को ये ध्यान में रखना जरूरी है, खाना पीना टाइम से खाइए, चर्बी वाला ये सब वड़ा पाव, भजिया, समोसा ये सब है उसको कम खाइए, रोज़ कसरत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए।